सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका अपना प्रोफेसर आर एस राठौर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा कि एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप, या स्कॉलरशिप तो नहीं कह सकते, उसे फेलोशिप कह सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते या पढ़ाई के या डिग्री के साथ आपको हर मंथ 35,000 से 40,000 रुपये अगर मिल सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कौन हो सकती है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये 35,000 या जो 40,000 रुपये की वो बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से मिलता होगा। क्योंकि हर वक्त जो हर व्यक्ति है, वो हमेशा आज की भौतिक युग में पैसों के लिए अपना जो सब कुछ है वो काम कर रहा है। हम पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी किसके लिए, तो पैसों के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए। अगर यही बात जो है वो आपको पढ़ते पढ़ते में मिल जाए, अगर आप पढ़ते पढ़ते 30,000 से 35,000 एक नौकरी पेशा व्यक्ति से ज़्यादा अगर आपके हर महीने अगर 30,000 से 35,000 आपको मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 30,000 से 35,000 फेलोशिप आपको किस प्रकार से मिल सकती है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली, तो इस फेलोशिप को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये फेलोशिप किस प्रकार से ले, किस प्रकार से उसका आवेदन करें और किस प्रकार से इसका लाभ ले, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और ऐसे ही रोचक और इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए इस चैनल के साथ हमेशा बने रहे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप पैसे 30,000 से 35,000 फेलोशिप ले सकते हैं। दोस्तों, जिस फेलोशिप की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है JRF, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये फेलोशिप जो है वो आपको रिसर्च के लिए मिलती है, यानी कि आप BA के बाद या आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो मास्टर डिग्री के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। जिस एग्जाम में रैंक में अगर आप है, टॉप में अगर आप है, तो आपको ये फेलोशिप मिल सकती है दोस्तों। और ये सब्जेक्ट वाइज होती है, जैसे कि किसी का गुजराती है, किसी का हिंदी है, किसी का मराठी है, किसी का विज्ञान है या और कुछ है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार ये फेलोशिप जो है वो मिलती है दोस्तों। तो इस फेलोशिप को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको NTE यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसकी वेबसाइट पे जाके आवेदन करना होता है, और वह नेट की एग्जाम का यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसको आप मास्टर डिग्री के बाद दे सकते हैं। अगर मास्टर डिग्री में आपके 55% से ज़्यादा मार्क्स है, तो आप ये फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं। यानी कि 55% से ज़्यादा मार्क्स है तो आप नेट का आवेदन कर सकते हैं, और नेट की एग्ज़ाम आप उसी प्रकार से देते हैं जिस प्रकार से और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये नेट की एग्ज़ाम जब आप देंगे और जब आप रैंकिंग में होंगे या टॉप में होंगे, तो आपको एक JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो अवार्ड है, वो अवार्ड लेटर मिलता है दोस्तों। मेरा भी JRF हो चुका है। और ये JRF जो है वो कैसे प्राप्त करना है दोस्तों, आपने अगर नेट की एग्जाम पास कर ली है, उसके साथ साथ आपको JRF का अवार्ड लेटर मिलता है अगर आप टॉप रैंकिंग में है। उसके बाद आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आपको PhD या MPhil के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, और एडमिशन आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर एक फायदा ये भी है कि अगर आप नेट JRF हुए हैं, तो नेट JRF के लिए सीधा इंटरव्यू के बाद एडमिशन PhD में मिल जाता है, उसको एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं देनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा भी है PhD के लिए। दूसरी बात, आप PhD में एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद से आपकी JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो शुरू हो जाती है। अब ये 2 साल तक शुरू रहती है, 2 साल के बाद उसमें SRF बन जाता है, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। जो मैंने आपको बताया था कि 30,000 से 35,000 रुपये जो JRF में आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको मकान का किराया यानी कि HRA क्लास के हिसाब से, कि आप किस सिटी में रहते हैं, उस क्लास के हिसाब से 5,000, 8,000 या 10,000 रुपये के जिस प्रकार से HRA बनता है, उस प्रकार से HRA मिलता है। साथ साथ आपको कंटीजेंसी के लिए, यानी कि आपको कोई किताबें लेनी है,
या जेरोक्स करवानी है, पेन लेना है या कुछ भी लेना है, उसके लिए भी अलग से पैसा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा पैसा आपको गवर्नमेंट यूजीसी जो है वो दे रही है। एक तरह से आप यूजीसी के गर्जमाई बन जाते हैं कि यूजीसी आपको पढ़ाने के लिए सब कुछ देती है। साथ साथ ये जो है वो पहले 2 साल JRF और बाकी के 3 साल SRF, कुल 5 साल के लिए फेलोशिप मिलती है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 30 से 35 हज़ार रुपये अगर आपके हर महीने मिलते हैं तो आप 5 साल में कितने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये प्रावधान मुझे लगता है कि इसके लिए है कि आपकी उम्र उस समय 20 से 25 साल की उम्र हो चुकी होती है, घर की जिम्मेदारियां भी होती है। अगर आप रिसर्च करने बैठेंगे फुल टाइम तो और जगह पर समय नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको ये एक सहायता मिलती है ताकि आपकी जिम्मेदारियां जो है वो आपका खर्चा जो है आप खुद उठा सकते हैं। तो इतना सारा पैसा आपको पढ़ने के लिए मिलता है, साथ साथ आपको PhD की डिग्री भी मिल जाती है। तो एक तीर से 2 शिकार हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट आपको अगर मिलेगा जो आप JRF कर लेते हैं। दोस्तों अब JRF के लिए कितने उम्र की मर्यादा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों JRF के लिए या नेट के लिए जिस प्रकार से उम्र की मर्यादा है वो 30 साल तक आप जनरल कैटेगरी में दे सकते हैं, 5 साल आरक्षित श्रेणी जो है वो OBC है, SST है उनके लिए है और महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अब मान लीजिए कि आपने नेट की एग्जाम दी और आप टॉप रैंकिंग में आ गए, आपको JRF के लिए पसंद किया गया, आपको JRF का अवार्ड लेटर मिल गया, तो आपको 2 या 3 साल के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD या MPhil के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद ये लेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि आपको 2-3 साल में ये सब कर देना है प्रोसेस। वैसे मिल जाता है सभी यूनिवर्सिटियों में, इतना बड़ा भारत है और भारत की इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें से आपको PhD में कहीं से भी एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप JRF है तो कौन नहीं देगा, सब लोग दे देंगे। तो एंट्रेंस भी नहीं देनी पड़ेगी, डिग्री भी मिल जाएगी, पैसा भी मिलेगा। साथ साथ दोस्तों JRF जो है वो आपको एक आर्थिक सहायता है, और आर्थिक सहायता जो है अगर मान लीजिए आप किसी सेमिनार में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि मैं JRF नहीं हूं और आप JRF है, तो मुझे अगर किसी सेमिनार में मैं दिल्ली से राजस्थान जाता हूं तो मुझको कोई पैसा नहीं मिलेगा, किंतु आग अगर JRF है तो आपको किराया भत्ता रहने का खाने का सब कुछ पैसा जो है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों इतनी सारी सुविधा जो है वो आपको मिलेगी। साथ साथ नेट JRF अगर हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाइड है, यानी कि नेट है तो क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप अप्लाई पूरे भारत में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में आप कर सकते हैं दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो JRF अवार्ड लेटर अगर आपको मिलता है तो मिल जाएगा। अब दोस्तों JRF के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, आपको नेट एग्जाम देनी है। नेट एग्जाम का पेपर जो है वो 2 पेपरों में विभाजित होता है, पहला पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपके जनरल या एबिलिटी जो है उसके आधार पर शैक्षिक योग्यता या तो जो शिक्षा के बारे में जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, खास करके उसमें 50 प्रश्न होते हैं और 100 मार्क्स उसके होते हैं। दूसरा पेपर जो है उसमें 100 प्रश्न होते हैं और 200 मार्क्स का, कुल 300 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको देना है, और 300 मार्क्स में से पास होने के लिए 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो तब आप पास होंगे। किंतु हमारा लक्ष्य केवल 40% या केवल पास होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें JRF अवार्ड लेटर लेना है तो आपको टॉप रैंकिंग में आना चाहिए। इसीलिए मेहनत करें, आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त करके ये जो नेट एग्जाम जो है दे सकते हैं और साथ साथ JRF भी हो सकते हैं। अब ये एग्जाम कब होती है तो हर साल 2 बार ये एग्जाम ली जाती है, जून और दिसंबर में। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप उसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद एग्जाम की जो तिथि है उस तिथि के अनुसार आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अगर पास हो जाते हैं, अगर आप टॉप रैंकिंग में आते हैं तो आपको JRF मिलेगा, और JRF के बाद यूनिवर्सिटी में जाके आप PhD के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो हर तीन महीने में ये जो 3 महीने का इकट्ठा आपको पैसा जो है वो मिलता रहेगा। 2 साल तक JRF रहेगी और
बाकी के 3 साल जो है वो SRF हो जाएगी, यानी कि पैसा बढ़ जाएगा। सीनियर रिसर्च फेलोशिप में पैसा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर 35-40 हज़ार आपको पढ़ते पढ़ते कोई दे रहा है तो इससे बड़ी बात कौन हो सकती है दोस्तों। तो अगर आपको 5 साल के लिए मान लीजिए कि अच्छे से आप PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और साथ साथ जॉब के लिए अप्लाई भी कर देंगे, क्योंकि नेट अगर है और साथ में PhD भी हो जाएंगे तो आपके दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जरूर एग्जाम पास कर लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा मेहनत नहीं है। अगर 4 या 5 महीने आप दिल लगा के मेहनत कर लेते हैं तो JRF होने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज की वीडियो में JRF के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई दुविधा है, अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख सकते हैं। आगे के नेक्स्ट टाइम या जब भी आएंगे हम उसके बारे में और भी डिटेल में जाएंगे, नेट की एग्जाम कैसे दे दोस्तों। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे पूछिए, तो मैं आपको उत्तर उसका अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।